वैली ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों की घाटी। आज के इस वीडियो में हम इसी घाटी के बारे में बात करेंगे। इसका इतिहास, इसकी खूबसूरती, कैसे आप यहाँ घूम सकते हैं, यहाँ का ट्रेवल प्लान, कितना खर्चा आएगा, बेस्ट टाइम टू विजिट और भी बहुत कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। बस बने रहिए आखिर तक। दोस्तों, वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इसकी खोज रास्ता भटकने की वजह से हुई थी। दरअसल ये बात है साल 1931 की, जब ब्रिटिश माउंटेनियर फ्रैंक स्मिथ और उनके दो साथी माउंट केमेट से वापस आते हुए रास्ता भटक गए थे और गलती से वो तीनों एक ऐसी घाटी में पहुंचे जो हजारों वेरायटी ऑफ फ्लावर्स से भरी हुई थी। वे इस जगह की सुंदरता देख के इतने खुश और सरप्राइज हुए कि फ्रैंक स्मिथ ने तो इस पर किताब ही लिख दी, जिसका नाम रखा वैली ऑफ फ्लावर्स। और दोस्तों, तभी से इस घाटी को वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से जाना जाने लगा, जिसके बाद से ये घाटी लोगों के लिए एक बहुत ही फेमस टूरिस्टिक प्लेस बन गई और साल 1982 में इस वैली को नेशनल पार्क की मान्यता प्राप्त हुई। साथ ही इसको साल 1988 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी अपना लिया गया। इस घाटी की खास बात यह है कि ये हर दो सप्ताह में अपना रंग बदलती है, कभी लाल तो कभी पीले फूलों के खिलने से ये घाटी बहुत ही आकर्षक और सुंदर दिखाई पड़ती है। वैली ऑफ फ्लावर्स 12,000 फीट के एल्टीट्यूड पर स्थित है, जहां आपको काफी सारे फ्लोरा एंड फौना, हजारों तरह के फ्लावर्स, रिवर्स, वाटरफॉल्स, ग्लेशियर्स और काफी ज्यादा नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेगी। दोस्तों, वैली ऑफ फ्लावर्स जून से अक्टूबर के बीच ही खुली होती है और उसमें भी बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए आपको जुलाई या अगस्त में यहाँ विजिट करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी डिटेल आइटनरी की। इस ट्रिप के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचना होगा और यहीं से हमारी आगे की जर्नी स्टार्ट होगी। तो डे वन पर हम हरिद्वार या ऋषिकेश से जोशीमठ के लिए निकलेंगे। ये जर्नी 255 किलोमीटर की होगी, जिसे पूरा करने में 9 से 10 घंटे लगेंगे। इस जर्नी में आपको काफी सिग्निफिकेंट एल्टीट्यूड चेंज भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ऋषिकेश का एल्टीट्यूड 1200 फीट है और जोशीमठ का एल्टीट्यूड है 6100 फीट। इस जर्नी में आपको गढ़वाल हिमालयज का भी काफी अच्छा व्यू देखने को मिलेगा और रास्ते में आप रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग जैसी जगहों पर रुककर इन टाउन्स को भी एंजॉय कर सकते हैं। शाम तक जोशीमठ पहुंच के यहाँ के किसी होटल में स्टे कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो यहाँ के लोकल टेंपल्स के दर्शन करने जा सकते हैं। डे टू पर हम सुबह जोशीमठ से ब्रेकफास्ट करने के बाद बाय रोड गोविंद घाट के लिए निकलेंगे, जो कि सिर्फ एक घंटे की जर्नी है। हालांकि बीच में कुछ देर रुककर आप विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदी के संगम को भी एंजॉय कर सकते हैं। गोविंद घाट पहुंचकर आपको 4 किलोमीटर दूर पुलना विलेज तक के लिए एक शेयर टैक्सी करनी होगी, जो कि आपको 40-50 रुपए में वहां पहुंचा देगी और पुलना विलेज से ही आपका एक्चुअल ट्रैक स्टार्ट होगा। पुलना विलेज से आपको 10 किलोमीटर लंबा ट्रैक करके घंगरिया पहुंचना होगा, जो कि वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब का बेस कैंप है। इस ट्रैक में आपको पुष्पावती नदी, हाथी पर्वत और लश ग्रीनरी का बहुत ही रिफ्रेशिंग व्यू देखने को मिलेगा। इस 10 किलोमीटर लंबे ट्रैक को पूरा करने में आपको 6 से 7 घंटे लगेंगे और हर 2 किलोमीटर में आपको यहाँ छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे। रात को स्टे के लिए आप घांगरिया के किसी होटल में चेक इन करेंगे। डे थ्री आपकी इस ट्रिप का सबसे मेमोरेबल दिन होगा, क्योंकि इस दिन आप घांगरिया से वैली ऑफ फ्लावर्स का 3 किलोमीटर लंबा ट्रैक करके वैली में एंटर होंगे। ये वैली 87 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैली है, जो की 8 किलोमीटर लंबी और 2 किलोमीटर चौड़ी है। और इस पूरी वैली में आपको काफी ज्यादा वेरायटी के फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, जो की यहाँ की सबसे मेन हाईलाइट है। ये वैली साल भर अपने कलर्स बदलती रहती है और अलग अलग मौसम में आपको बहुत ही अलग अलग वैरायटी के फ्लावर्स और प्लांट्स देखने को मिलते हैं। इस वैली में काफी सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज भी है और वैली को पूरी तरह एक्सप्लोर करने के लिए इसके अंदर आके भी काफी ट्रेकिंग करनी होगी, लेकिन यहाँ बिताए हुए एक एक पल को आप अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलने वाले। वैली ऑफ फ्लावर्स में एंट्री की टाइमिंग सुबह 7 से 12 बजे तक की है, जिसके लिए आपको 150 रुपए की टिकट करवानी होगी और शाम को 5 बजे तक आपको वैली से बाहर भी आना होगा। इसलिए एडवाइजेबल यही होगा कि आप सुबह जल्दी ट्रेक के लिए निकले, ताकि आप वैली को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। इस वैली में आपको पुष्पावती नदी भी देखने को मिलती है, जो कि इसी वैली में ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। वैली को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद आप ट्रैक करते हुए घांगरिया के उसी होटल में स्टे कर सकते हैं। डे फोर पे आप यहाँ की एक और मेन अट्रैक्शन हेमकुंड साहिब में जाएंगे। हेमकुंड साहिब दुनिया के सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर मौजूद गुरुद्वारा है। इस गुरुद्वारे के बाहर एक बहुत ही सुंदर लेक भी है, जिसका पानी यहाँ के ग्लेशियर से आता है और इसी ग्लेशियर के पानी से लक्ष्मण गंगा नदी ओरिजिनेट होती है, जिसे हेमगंगा के नाम से भी जाना जाता है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के पास एक लक्ष्मण मंदिर भी है और माना जाता है कि मेघनाथ के वध के बाद लक्ष्मण जी ने यहीं आकर कुछ साल तपस्या की थी। घांगरिया से हेमकुंड साहिब का ये ट्रैक 6 किलोमीटर लंबा है और वैली ऑफ फ्लावर्स वाले ट्रैक के कंपैरिजन में ये ट्रैक काफी स्टीप और मुश्किल है, लेकिन रास्ते के रिफ्रेशिंग व्यूज की वजह से आपको ज्यादा थकावट महसूस नहीं होगी। 15,000 फीट के एल्टीट्यूड पर हेमकुंड साहिब इस पूरी जर्नी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण मंदिर विजिट करने के बाद अब आप वापस 6 किलोमीटर लंबी ट्रैक करके घांगरिया आकर अपने होटल में स्टे कर सकते हैं। यहाँ आपका वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब का ट्रैक पूरा होता है और अपने साथ लाइफ टाइम मेमोरीज लेते हुए डे 5 पर आप घांगरिया से पुलना विलेज तक डिसेंडिंग ट्रैक करेंगे। पुलना विलेज से शेयर टैक्सी करके गोविंद घाट पहुंचने के बाद अब आप या तो जोशीमठ जा सकते हैं या बद्रीनाथ। मैं आपको रिकमेंड
करूंगा कि आप अपने ट्रिप में एक और दिन ऐड करके गोविंद घाट से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर चार धाम यात्रा में से एक भगवान विष्णु के बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करने भी जरूर जाएं। रात के स्टे के लिए आप बद्रीनाथ के किसी होटल में चेक इन कर सकते हैं। डे 6 बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करने और यहाँ की वैली को निहारने के बाद आप डे 6 को बाय रोड ऋषिकेश या हरिद्वार के लिए निकल सकते हैं। बद्रीनाथ से ऋषिकेश 290 और हरिद्वार 312 किलोमीटर दूर है और इस जर्नी को कवर करने के लिए आपको 8 से 10 घंटे लगेंगे। ऋषिकेश या हरिद्वार पहुंच के आप यहाँ के कुछ मंदिर या टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं और स्टे के लिए आप यहाँ कोई होटल बुक कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ आपकी वैली ऑफ फ्लावर्स की ट्रिप खत्म होती है और अगले दिन सुबह आप अपने होम टाउन को निकल सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह आप अपनी वैली ऑफ फ्लावर्स की ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। ऑल्दो ये एक आइडियल आइटनरी है, लेकिन आप हमारे ग्रुप टूर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ आपको अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मील्स एंड गाइड भी प्रोवाइड होगा बहुत ही फ्रेंडली बजट में। फॉर मोर डिटेल्स आप इन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वैली ऑफ फ्लावर्स काफी खूबसूरत जगह है और ऐसे में हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ऐसी जगह पर प्लास्टिक या किसी भी तरीके का वेस्ट ना फैलाएं और इस वैली को या किसी भी जगह को साफ सुथरा रखें ताकि इन जगहों की सुंदरता बनी रहे।